एक दौर था जब दिल्ली की रौनक शाहजहानाबाद की गलियों तक ही सिमटी हुई थी। इसी शाहजहानाबाद को अब पुरानी दिल्ली कहकर बुलाते हैं। इसे बसाने में मुगल बादशाह शाहजहां ने खुद बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। अपनी लाडली बेटी जहांआरा के लिए ही शाहजहां ने चांदनी चौक बनवाया था ताकि वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सके। शाहजहानाबाद की धड़कन इसी चांदनी चौक में धड़कती थी। वो मुगलिया दौर भले ही इतिहास बन चुका हो मगर चांदनी चौक आज भी दिल्ली के सबसे भीड़ वाले और व्यस्त बाजारों में गिना जाता है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद के बीच बना हुआ ये बाजार एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। पूरी दिल्ली घूमकर भी अगर आपको अपनी पसंद की चीज ना मिले तो चांदनी चौक का रुख कीजिए, यहां जरूर मिलेगी। कूचा महाजनी, कूचा नटवा, इन तंग गलियों को देखकर आपको यकीन तो नहीं होगा लेकिन इन्हीं गलियों में रोज करोड़ों का कारोबार होता है। खासकर कूचा महाजनी तो दिल्ली के कुछ बड़े ज्वेलरी बाजारों में से एक है। चांदनी चौक की खासियत है हिंदुस्तानी रंग लिए हुए बाजार। बस एक नजर भर देखिए, आपको यहाँ की दुकानों में हजार तरह की मिठाइयां और खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। कपड़ों, जूतों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही जरूरत की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। शाम के ढलते ही चांदनी चौक की रंगीनियां अपने शबाब पर होती हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे शहर ने अपनी बरसों पुरानी पहचान को कायम रखा है, लेकिन वक्त के साथ चलते और बदलते हुए इस शहर का नया चेहरा भी हैरान कर देता है। आसमान छूती ये इमारतें और सड़कों पर दौड़ती भागती लोगों की भीड़, ये दिल्ली में हुए बदलावों की नई तस्वीर है। यहां मुगल और ब्रिटिश पीरियड की इमारतों के साथ साथ मॉडर्न स्ट्रक्चर को भी उभरते देखना वाकई में एक मजेदार अनुभव है। दिल्ली में हर तरफ बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नजर आने लगे हैं। इनकी वजह से दिल्ली को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। फॉर शॉपिंग, फॉर ईटिंग, फॉर फूड, फॉर क्लोथिंग, each and everything there is in malls. Like you want to see any mall movie, you want to eat something, you want to take anything from for your home, so it, each and everything is there in all the malls, shopping malls. In nayi rihaishi aur commercial imaraton ke beech Delhi mein kuch cheeze aisi bhi hain jisne duniya bhar ka dhyan apni aur khincha hai. Ye hain beete hue kuch saalon mein bane naye aur bhavya mandir. ये मंदिर अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए तो मशहूर हुए ही, साथ ही धार्मिक आस्था का केंद्र भी बन चुके हैं। इन मंदिरों में लोटस टेंपल, अक्षरधाम और इस्कॉन टेंपल कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो देश और विदेश से आए पर्यटकों को लुभाते हैं। And there are so many devotees of Krishna here in Delhi. We have many temples. We have Noida, Greater Noida, Punjabi Bagh, east of Kailash. There's so many devotees of Krishna in Delhi. That's what I like about Delhi.
हिंदुस्तान के किसी भी गांव, कस्बे या शहर में पढ़ने वाला युवा जब बेहतर शिक्षा की बात सोचता है तो उसके सामने दिल्ली का नक्शा ही उभरता है। चाहे वो बेहतरीन एजुकेशन फैसिलिटीज की बात हो या फिर खुली सोच और आजाद ख्याल पाने की तमन्ना, दिल्ली हमेशा ही इन युवाओं को लुभाती आई है। फिर यहां पर देश के कुछ सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस भी हैं, जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मीडिया के साथ ही फैशन, टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग में अपना करियर चाहने वाले युवा एडमिशन हासिल करने चले आते हैं। जामिया मिलिया का एक्सपोजर जो था वो काफ़ी डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग थे और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग थे, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी रिच कल्चर मिला और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे फैकल्टी थे वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे और जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था वो काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट यहाँ पे थे, जिनकी वजह से मैंने ये जामिया मिलिया इस्लामिया ज्वाइन किया। यहाँ पे जामिया में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सारा स्टाफ जो है बहुत ही अच्छे कोऑपरेट करता है और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन के हिसाब से यहाँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। दिल्ली की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बाहर से आए स्टूडेंट्स की भरमार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT में हजारों ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो अपने राज्यों से दूर यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल हजारों नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इनमें बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जो देश के अलग अलग कोनों और छोटे शहरों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें ज्यादातर छात्रों का सोचना है कि इस मेट्रो सिटी में आकर उन्हें जो खुला माहौल और आधुनिक सोच मिली है वो शायद उन्हें यहाँ से हजारों मील दूर अपने शहर में बिल्कुल नहीं मिल पाती। I had a dream to come to DU because it's a place where I get to meet so many people, people coming from all the corners of India, and the exposure you get here, you won't be able to get in Assam. So I wanted to meet, and the faculty in Miranda House, it's so good. In DU, people come from every state, so we can interact with everyone. We can know everybody's culture, how they live, how they speak, their knowledge, everything. So I came here because it's the best. बात सिर्फ बेहतर शिक्षा सुविधाओं पर ही नहीं खत्म हो जाती। बीते दो दशक में दिल्ली में रोजगार के कई नए अवसर खुले हैं। IT, कॉल सेंटर, फैशन, मेडिकल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में बेहतर नौकरी चाहने वाले कई युवा दिल्ली में अपनी मंजिलें तलाशने आते रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश के अलग अलग राज्यों से आए विभिन्न धर्मों और समुदायों से जुड़े हुए ये लोग इस शहर में आकर यहीं अपना आशियां बसा लेते हैं। औंद्रली दत्ता पेशे से एक राइटर हैं और शहर की एक बड़ी मैगजीन के लिए लिखती हैं। औंद्रली करीब 7 साल पहले ओडिशा से दिल्ली अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई थी। पढ़ाई के बाद नौकरी भी इसी शहर में मिल गई। बेहतर करियर और इस शहर की फिजा उन्हें कुछ यूं भा गई कि अब वो हमेशा के लिए दिल्ली में ही बसने का मन बना चुकी हैं। I came to Delhi 10 years back. देखते देखते एक पूरा डेकेड खत्म हो गया, 10 साल हो गए मुझे शहर में। मैं शहर में आई थी अपनी पढ़ाई करने, आई केम टू डू माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, पर उसके बाद इतना दिल लग गया, इतना लगाव हो गया शहर से कि कभी जाने का मन ही नहीं किया। एंड देखते देखते फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल वुमन आई हैव बिकम।